गोपीनाथ कविराज जी जिन संतों से मिले थे उस सीरीज में आज हम कुछ और संतों के बारे में बातें करेंगे। तो इस वीडियो में हम दो तीन संतों के बारे में बात करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत संक्षिप्त रूप में उन संतों के बारे में लिखा है। तो आइए हम सुनते हैं। मायानंद चैतन्य। मायानंद जी एक महाराष्ट्रीय संत थे। ये 1918 ईस्वी के कुंभ स्नान से लौटते हुए काशी आए थे और दशाश्वमेध घाट पर ठहरे थे। इनका वैशिष्ट यह था कि प्रचंड धूप में भी ये किसी प्रकार के आवरण छाता इत्यादि का व्यवहार नहीं करते थे। जेठ वैसाख में घाट के तपते हुए पत्थरों पर खुली धूप में बिना कोई आसन बिछाए बैठे रहते थे। इनकी साधना भूमि महाराष्ट्र प्रदेश में नर्मदा तट पर ओमकारेश्वर के समीप थी। इन्होंने संत ज्ञानेश्वर की गीता टीका का हिंदी में अनुवाद किया था। एक दिन अपने मित्र सतीश चंद्र डे के साथ मैं इनके दर्शनार्थ उपस्थित हुआ। उस समय ये विश्व रूप दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। चारों ओर श्रोताओं की अपार भीड़ थी। व्याख्यान का मूल था गीता का 11वां अध्याय। ये कह रहे थे, विश्व रूप दर्शन का विवरण सभी पढ़ते हैं किंतु यह दर्शन किसी को नहीं होता क्योंकि सामान्यतया लोगों की उस पर श्रद्धा नहीं होती। मैं तुम लोगों को विश्व रूप दर्शन कराऊंगा, इसके पहले जान लो कि भगवान का विश्व रूप है क्या। विश्व रूप का तात्पर्य यही है कि भगवान निर्गुण, निराकार और निष्फल होते हुए भी सर्वाकार संपन्न है। इसलिए हम जो कुछ जगत में देखते हैं वे सभी आकार विश्व रूप के ही अंतर्गत है, अर्थात चारों ओर इन्हीं का आकार है यह समझना चाहिए, न कि मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि। इसी का नाम विश्व रूप दर्शन है। सभी वस्तुओं में भगवान का दर्शन करना, इसके माने यह नहीं कि एक समय में कोटि कोटि सूर्य चंद्र देखना। यह विज्ञान इन्हें गुरु कृपा से मिला है, ऐसा इन्होंने बताया। इनके गुरु थे सर्वत्र सुप्रसिद्ध महात्मा विशुद्धानंद सरस्वती, जो काशी में अहिल्या घाट पर बहुत दिनों तक विराजमान थे। उन्होंने ही इन्हें विश्व रूप दर्शन का यह रहस्य बताकर सिखाया था। इनका कहना था कि यदि मृत्यु के समय किसी में यह भाव रहे तो उसकी अधोगति नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय दृष्टि के सामने जो कुछ हो वह ईश्वर का ही रूप होगा। इससे जगत का परम कल्याण होता है। लोग मृत्यु काल में देवता आदि के चित्र या मूर्ति सामने रखते हैं, उससे यह कहीं श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, किसी प्रकार की कृति साध्यता भी नहीं है, चेष्टा भी नहीं, सभी उनकी मूर्ति है। यह भाव रहने पर परागति हो जाएगी, इसके लिए भाव शुद्धि मात्र अपेक्षित है, सदगति अपने आप हो जाएगी। और इससे ज्यादा उन्होंने इनके बारे में नहीं लिखा है। तो आइए हम दूसरे संत के बारे में सुनते हैं जिनका नाम था दयाल ब्रह्मचारी। गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं, इनका बंग देशीय शरीर था। बहुत दिनों तक इन्होंने तिब्बत में वास किया था, उसके बाद वृद्धावस्था में काशी में आकर बैठ गए थे। मुझसे इनका परिचय तभी हुआ। हम लोग कभी कभी इनके पास जाकर तिब्बत में इनकी साधना का इतिहास सुनते थे। उससे यह ज्ञात हुआ कि ये महान पुरुष थे, परंतु थे साधक कोटि में ही। कुछ दिनों बाद काशी में ही इनका देहांत हो गया। ये बहुत सदा से दयालु प्रकृति के साधक थे। दयाल ब्रह्मचारी जी के बारे में भी उन्होंने मनीषी की लोक यात्रा में यहीं तक लिखा है। तो अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस पुस्तक को प्राप्त कर पूरा पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप
और भी साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, गोपीनाथ कविराज जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो उन पुस्तकों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक और संत के बारे में हम सुनते हैं, नागा बाबा। नागा बाबा महाराष्ट्रीय संत थे। ये भी कुंभ से लौटे हुए महात्माओं में से थे। इनसे मेरा परिचय दशाश्वमेध घाट पर हुआ था। ये कई महीने तक काशी में रहे। मैं इनके सत्संग भी प्रायः नित्य उपस्थित होता था। ये बहुत विलक्षण संत थे, बिल्कुल नग्न रहते थे। योग्य अधिकारियों के समक्ष ये साधना के रहस्य प्रसंगतः खोल देते थे। देखिए, यहां कहने का मतलब ये है, जैसे हम और आप भी ऐसे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी संत से मिलने चाहते हैं तो वो उनकी योग सिद्धि के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि वो हमें कुछ दे दें, कुछ अनुभव करा दें, कुछ बता दें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, आपको धैर्य रखना होता है। और जिस दिन आप योग्य बन जाओगे ना, आपको कहीं गुरु को खोजने की भी आवश्यकता नहीं है, गुरु साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल वही जहां अभी आप बैठे हुए हैं और इस ऑडियो को सुन रहे हैं, आपके सामने गुरु प्रकट हो जाएंगे जिस दिन आप योग्य बन जाओगे। तो योग्य बनने के लिए क्या करें, ज्यादा प्रश्नों के पीछे नहीं पड़ना, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना है, बस राम नाम जपना है श्रद्धा भक्ति से। जितना अंदर से आप राम नाम जप सकते हैं जपिए, यही काफी है। और धीरे धीरे आपको अंदर से ही मार्गदर्शन मिलने लगेगा, कहीं किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है ना, अपने से पहले कितने जन्म लिए होंगे, आपको नहीं पता, और आपने उन जन्मों में पता नहीं कितनी साधनाएं की होगी, तभी आप ऐसे ऑडियो को सुन पा रहे हैं, क्योंकि YouTube पे लाखों वीडियोस भरे पड़े हैं। आप ये जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान की असीम कृपा है आप पे कि उन्होंने आपको ऐसा हृदय दिया है कि आप संतों की चरितावली सुन रहे हैं। मैं समझता हूं आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो संतों की चरितावली सुनते सुनते रोने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बताता है कि आपका हृदय कितना पवित्र है। मेरे साथ भी होता है, मैं तो पढ़ते पढ़ते रोने लगता हूँ, और आप लोगों ने नोट भी किया होगा, कहीं ना कहीं मेरा गला भर आता है। और मैं एक और आप लोगों को बात बताना चाहूंगा कि संतों की चरितावली जो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, वो बहुत विशुद्ध रूप में रहे, इसलिए मैं एक एक शब्द आपको सुनाता हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ता नहीं, या फिर अपनी भाषा में आप लोगों को नहीं बताता। जिन्होंने उसे लिखा है, कितना उन्होंने गहराई से लिखा है, तो अगर पुस्तक की बात मैं समराइज करने लगूं तो कुछ भी नहीं पहुंच पाएगा आप लोगों तक। तो जो भी उसे लिखा है, उसकी पुस्तक की खूबसूरती खराब ना हो, उस जीवनी की खूबसूरती खराब ना हो, इसलिए मैं एक एक शब्द आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। तो ठीक है, इस घटना को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं इनके सत्संग में प्रायः नित्य उपस्थित होता था। ये विलक्षण संत थे, बिल्कुल नग्न रहते थे। योग्य अधिकारियों के समक्ष ये साधना के रहस्य प्रसंगता खोल देते थे। जाड़ा हो, गर्मी या बरसात, ये सर्वदा घाट पर नंगे बैठे रहते थे। इनका आसन प्रायः अहिल्याबाई घाट पर रहता था। इनका अनुभव तथा सिद्धांत लोकोत्तर था। मुझे इनसे अनेक विषयों में ज्ञान का रहस्य प्राप्त हुआ था। इनका कहना था कि जब तक देह सिद्ध न हो, तब तक यथार्थ ब्रह्म साक्षात्कार हो नहीं सकता। एक दिन की बात है, उस समय काशी में एक और उच्च कोटि के महात्मा रहते थे। उनका नाम था वेणी माधव। ये प्रज्ञा चक्षु थे, इसलिए लोग उन्हें अंधा मास्टर कहकर पुकारते थे। मास्टर इसलिए कहलाते थे कि ये जब काशी में आए, तभी से अपने उदर पोषण के लिए किसी से सहायता न लेकर छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर निर्वाह करते थे। यह वृत्ति इनकी बहुत दिनों तक चलती रही। ये गृहस्थ थे किंतु अद्भुत ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष थे। इनको सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। हम लोग कभी कभी इनका सत्संग करते थे।
ये सोनारपुरा में रहते थे। उस दिन संध्या समय जब हम लोग दरभंगा घाट पर बैठकर नागा बाबा से बात कर रहे थे, तो बंगाली टोला की ओर से एक सहायक भक्त के साथ वहां आ गए। दूर से उनको देखते ही नागा बाबा कहने लगे, जीवन मुक्त पुरुष है, परंतु इनका मात्र ऋण शोध नहीं हुआ। मैंने पूछा, जीवन मुक्त होने पर भी मात्र ऋण शोध न हो, यह कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, हां, जीवन मुक्ति होने पर अगर मात्र ऋण शोध नहीं हुआ तो देहांत में ऊर्ध्वगति तो हो जाती है, परंतु अधः आकर्षण रह जाता है। माता पृथ्वी है, उसका ऋण शोध जब तक न हो तब तक पृथ्वी का आकर्षण बना रहेगा, इसमें संशय नहीं। ऋण शोध का अर्थ यही है कि पृथ्वी या भौतिक सत्ता से आत्मा ने जिस उपादान को ग्रहण किया है उसको शुद्ध करना चाहिए। जीवन मुक्ति होने पर भी उपादान शुद्धि हो, ऐसी कोई बात नहीं। इस उपादान की शुद्धि न होने के कारण जीवन मुक्ति सार्थक नहीं होती, क्योंकि उसमें अविद्यालेश रह जाता है। उपादान के पूर्ण शुद्धि होने पर वह भी चिन्मय हो जाता है, तब आत्मसत्ता अखंड हो जाती है। उसमें शुद्ध चिन्मय और दैहिक दो भाग नहीं रह जाते। भौतिक सत्ता शुद्ध अथवा चिन्मय हो जाने से आत्मा स्वाधीन हो जाती है, इसी का नाम देह सिद्धि है। सिद्ध लोग इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं, इसी का नाम मात्र ऋण शोध है। इसके पश्चात अधः आकर्षण समाप्त हो जाता है, अन्यथा कभी न कभी निम्न आकर्षण के प्रभाव से नीचे आना अवश्यंभावी है। ये महात्मा जीवन मुक्ति तो है क्योंकि साक्षात्कार कर लिया है, किंतु देह सिद्धि प्राप्त नहीं की है, यह देखने से मालूम होता है। एक दिन हमारे साथ कुछ और लोग नागा बाबा के पास बैठे हुए अध्यात्म चर्चा कर रहे थे। बाबा जी कहने लगे, संसार में यह जो वैचित्र्य दर्शन होता है उसका कारण है दक्षिण और वाम नेत्र की शक्ति का बराबर न होना। वस्तु दर्शन के समय दक्षिण और वाम दोनों चक्षुओं का परस्पर संयोग रहता है, परंतु साधारणतः साम्य नहीं होता। यह चक्षु और इंद्रियों के उपलक्षण हैं। जब दक्षिण और वाम चक्षु की शक्ति मिलकर अभिन्न हो जाएगी तब यह विचित्र जगत दर्शन में नहीं आएगा। दृष्टि के सामने शून्य का प्रकाश हो जाएगा, फिर उसका भेदन करना पड़ेगा। जब चिन्मय राज्य का पता चलेगा, शून्य का आविर्भाव भी होना चाहिए, उल्लंघन भी। इन महापुरुष ने देह सिद्धि की ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं बताई थी जो प्रचलित ग्रंथों में कहीं भी देखने में नहीं आई। उनके रहस्यों को प्रकट करना अनावश्यक है। इनको किसी ने कभी भोजन करते नहीं देखा। ये प्राय एक स्थान में रहा करते थे, कभी कभी गंगा में उतरकर नीति धोती आदि योग क्रियाएं करते देखे जाते थे। मैंने इनके साथ बहुत से अंतरंग विषयों का आलोचन किया था। कुछ दिनों बाद ये अकस्मात अदृश्य हो गए, तब से फिर कभी देखने में नहीं आए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने उनका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, गोपीनाथ कविराज जी जिन संतों से मिले थे उन लोगों के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, उनका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। और स्वयं को पात्र बनाइए, आपके गुरु आपको अवश्य मिलेंगे। और ये सब सुनने से आप लोगों के मन में लोभ भी उत्पन्न होता होगा कि मुझे भी संतों के दर्शन करना है, मुझे भी संतों से मिलना है। तो जिस दिन आप पात्र बन जाएंगे आपको भी दर्शन होने लगेंगे। बहुत बहुत प्रणाम आप सबों को।